तो भी जैसा कि वादा किया था आपसे, है ना, पहुंच तो गए भैया जी के यहाँ पे। आप देख लो वही गेट है सामने, 1 साल का इंतजार था, आखिर खत्म हुआ। लेकिन भाई अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और रोड की साइड चल रहा हूँ। देखो ये रोड है पीछे की साइड, रोड की साइड चल रहा हूँ। साधन वाधन आ रहे हैं अभी फिलहाल में, और बाइक है जो पेट्रोल पंप पे खड़ी है पीछे की साइड। और अभी मेरे को यहाँ से जाना है, मैं समथिंग 150-150 किलोमीटर से ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जाना था कहीं और जगह। और अभी 115 किलोमीटर और आगे जाना है मेरे को। और मैं जा क्यों रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और पिछली वीडियो आपने देखी होंगी मेरी अनबॉक्सिंग की, तो उसमें मैंने कुछ रीज़न भी बताया था कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था अभी, और काफ़ी दिनों बाद लेट वीडियो आएंगी। तो क्यों आएंगी, उसका रीज़न कुछ ऐसा था कि वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। कंटिन्यू बने रही है। तो मैं एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहा हूँ जिनको आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, अगर आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखते हो, या फिर यूट्यूबर नहीं है, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड आप वीडियो देखते हो, तो आपने उस बंदे को देखा होगा। तो उस भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से, समथिंग ही लगा लो 1 साल हो गए मेरे को मिलने के लिए, क्या रहा उन भाई से मिलूँ। तो फाइनली आज सोच रहा हूँ कि क्या मेरा सपना सच होगा। अगर सपना सच होगा तो आपसे उस बंदे से मिलवाएंगे, और आगे क्या रिएक्शन होता है, वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं आपको। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि यार बड़ी मेहनत, पैसा जेब में एक नहीं है, थोड़ा बहुत है पेट्रोल लायक। और मैं कैसे पहुँचूँगा कैसे नहीं पहुँचूँगा वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी शाम का समय हो चुका है, रात भी हो सकती है रात में। क्योंकि अब आप लगा लो आइडिया, 250 किलोमीटर से प्लस में, मतलब 250-300 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत बड़ी बात है। अपने साधन से चले जा बाइक से ट्रेवल करने के लिए। मेरी ये बाइक है देख लो, खड़ी मेरे साथ में एक भाई है जिसको भी बता नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, और आपको बता दूंगा वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए कि ये बंदा कौन है, आप इस बंदे को जानते हैं अगर आप मेरी वीडियो देखी हो तो। तो रात में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लेट हो भी सकते हैं, कहीं रुकें या ना रुकें वक्त बताएगा आगे। तो चलिए, अगर टाइम से पहुँच गए तो आपको उस भाई से मिलवा देंगे, बाकी तो मिलवाएंगे जरूर, टेंशन मत करो। वीडियो पे कंटिन्यू बने रही है, ठीक है। ये सामने से बारिश हो गई, देखो हमारे साथ में ऐसी घटना घटित हो गई, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले चले थे पेट्रोल पंप से, फिर बारिश हो गई, और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि आप देख सकते हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा रोड पे, लेकिन बारिश हो रही है। और ये ड्राइवर साहब की हालत देखो, आगे से पूरे भीगना स्टार्ट हो चुके हैं, और हालत देख लो कितनी, और पानी वगैरह देखो कितना आ रहा है टायर से, आपको दिख नहीं रहा। तो भाई इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि इसकी कह नहीं सकते, आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, और कपड़े वगैरह भीगे, मैं पीछे की साइड बैठा हूँ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। और किसी पेट्रोल पंप पे रुक के आपसे बात करते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है दूसरे पेट्रोल पंप पे रुक के, और ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे। तो भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और उसकी वजह से हमारी हो चुकी हालत ख़राब। तो अभी स्टॉपेज लिया है यहाँ पे, बैग भीग गया, सारे कपड़े भीग गए यहाँ से, पूरे के पूरे सारे के सारे ख़राब हो गए।
मौसम इतना सुहाना हो रहा है कि आपको बता नहीं सकता मैं। और देखो ये रूट है, ये जयपुर साइड से आ रहा है और हमको जाना है इधर की साइड। एक्चुअली हमको क्या गलती हो गई थी हमसे, जो ये एरिया जा रहा है यहाँ से होके इधर जाना था, क्योंकि नज़दीक पड़ता समथिंग 6-7 किलोमीटर का एरिया बच जाता हमारा। और जो मेरे साथ में जो बंदा आ रहा था ना, तो वो बंदा है ये, आपने पिछली ब्लॉक के अंदर इस बंदे को देखा होगा। तो हालत देख लो, छोटे छोटे बालों की वजह से हालत कैसी लग रही है, छोटा सा मुँह लग रहा है ना। मैं पहले क्या बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना। और भाई हम जा रहे हैं अभी फिलहाल में मिस्टर इंडियन हैकर के पास में, तो भाई से मिलते हैं जाके और उनके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज़ तो क्या है कि एक छोटा सा केक वगैरह बनवाते हैं। हाँ चलो चलो भाई चलो। है कि हालत निकल गई थी, बार चार बार भीज गए, चार बार सूख गए पूरे कपड़े। तो फाइनल केक पैक करवा लिए, ये भाई से पैक कर रहे हैं अभी केक और चलते हैं। अभी ये है भैया जी का घर, जो अभी नया एक्सपेरिमेंट का वो गोडाउन टाइप में बना रखा है। तो आप देख सकते हो पीछे की साइड मेरे नाइट हो गई थी, नाइट की वजह से मेरे है ना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, क्योंकि पीछे की साइड देख लो तो ये वही गेट है। अब भैया जी गए कहीं मीटिंग में, तो हम चलते हैं, कल देखते हैं मिलें या ना मिलें, वो तो वक्त बताएगा। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रही है, लेकिन मिल के जरूर जाएंगे। ठीक बढ़िया सर, फर्स्ट वीडियो वीडियो में देखते थे। तो भी जैसा कि वादा किया था आपसे ना, पहुँच तो गए भैया जी के यहाँ पे, आप देख लो वही गेट है सामने। एक साल का इंतज़ार था, आखिर ख़त्म हुआ, लेकिन केक रह गया वैसे के वैसा। भैया जी मिले, और भी भैया जी यहाँ पे साथ में काफ़ी सारे लोग हैं। तो अभी आपका नाम? गजराज। गजराज। मेरा नाम भवानी है। भवानी जी, और इन भाई साहब को तो आप जानते होंगे, रवि भैया। तो अभी भैया जी है ना, अभी कोई मीटिंग वगैरह है उनके सिलसिले में अभी बाहर गए हुए हैं। तो ये लगा लो एक साल का इंतज़ार यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं आगे विचार बनाएंगे। अगर प्लानिंग हुआ तो भैया जी से अगर मुलाकात होगी तो आपको जल्द मिलवाएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रही है और आगे कुछ सीन दिखाएंगे आपको ऐसा। अभी आप मेरे पीछे बेड शीट वगैरह देख रहे होंगे, ये मैं लेने वाला नहीं हूँ। अरे मोबाइल और रखो तेरे बाबे, मोबाइल रखो। अभी तो फिलहाल मुलाकात हुई नहीं, भैया ने कॉन्टेक्ट नंबर ले लिए हैं, दूसरे जो दूसरे भैया मिले थे तो उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर ले लिए हमारे। अगर वो कॉल करते हैं तो कल होगा तो हम हमारे दोस्त के पास में यहाँ पे किसी के पास में रुकते हैं, फिर रुकने का जुगाड़ बनाते हैं। वहाँ पे रुकने के बाद में अगर कॉल आ गया तो कल मिलेंगे, और मिलने के बाद में भैया से मुलाकात करवाएंगे आपको। केक था हम लेके आए थे तो वो दे के आ गए, क्योंकि हमारे पास में ख़राब हो जाता केक इसलिए। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, भैया से मुलाकात ज़रूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी आपको जो दूसरी वीडियो मिलेगी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हे गाइस, तो हम लोग अभी